brought to you by Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. Kapal ko saundarya sajaunak ko lagi Poonam Mehndi. नमस्कार दर्शक वृंद, मैं दयाराम अग्रवाल हिमालयी टेलीविजन को एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत रहन सहन खानो पीनो रीति रिवाज समाज का लोग सब बातचीत को यो कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव। आओ कार्यक्रम ना आगे बढ़ावा, देखा पिछला दिना की कुछ गतिविधियाँ। पिछला कई साल से मारवाड़ी सेवा समिति काठमांडू गर्मी का समय में लोगों ने निःशुल्क पीने को पानी वितरण करती आई है। उन्हें निरंतरता देते हुए ए साल भी जगह जगह पानी को काउंटर रख कर प्यासा लोगों ने पानी पिलाने को कार्य शुरू करी है। आप लोग भी ए कार्य में सहयोगी होना चाहो तो मारवाड़ी सेवा समिति में संपर्क कर सको। दर्शक प्रश्न का भाग्यशाली विजेता श्री गोपाल बजाज ने हिमालय टेलीविजन का अध्यक्ष श्री ललित अग्रवाल जी द्वारा उपहार प्रदान करे हुए। आओ अब आगे आज का अतिथि से बातचीत शुरू करा। बातचीत शुरू करने से पहले उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना। रंगीली जैया का छोटा सा गांव से निकलेड़ी रोशनी आज फैल कर हजारा घरा ने रोशन कर रही है। आज का अपना अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगंज काठमांडू में नशा रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत वरिष्ठ डॉक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवाल यानी जेपी अग्रवाल जी है। डॉक्टर अग्रवाल को काम मरीज देखने और दवा देने पर खत्म कोनी होगा। ये कोई भी समस्या के जड़ में जाकर उनको इलाज करे है या समस्या सामाजिक आर्थिक पारिवारिक कोई भी तरीके की हो सके है। अपना मरीजा के प्रति यो दृष्टिकोण अना न एक अनूठो स्थान देवे है। इना को मूल मंत्र है, मेरे लिए सारा पेशेंट वीआईपी है। डॉक्टर अग्रवाल 1989 में जयपुर मेडिकल कॉलेज से आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके 1990 में शिक्षण अस्पताल में एसोसिएट लेक्चरर के रूप में जुड़िया। वरिष्ठ प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉक्टर जेपी अग्रवाल 21 वर्षा से टीचिंग हॉस्पिटल के माध्यम से लोगा की सेवा कर रहा है। ये आपकी एकेडमिक प्रशासनिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियां ने सफलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से निभा रहा है। डॉक्टरी पेशे में इना ने विभिन्न योगदान के लिए अनेक पुरस्कार एवं सम्मान मिलेड़ा है। डॉक्टर साहब आज भी मेडिकल फील्ड में अनेक रिसर्च में संलग्न है। डॉक्टरी कार्यशाला एवं ट्रेनिंग कार्यक्रम में इना को योगदान उल्लेखनीय है। डॉक्टर अग्रवाल आपकी सामाजिक जिम्मेदारियां ने आगे बढ़कर एक मूर्त रूप दिया है। पशुपति मारवाड़ी समाज द्वारा टीचिंग हॉस्पिटल का इमरजेंसी में दी जाने वाली निशुल्क दवाया की देखरेख एवं बांटने की जिम्मेदारी डॉक्टर जेपी अग्रवाल स्वयं ले रखा है। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद डॉक्टर अग्रवाल आपका परिवार न पूरा समय देवे है। इना की पत्नी डॉक्टर ज्योति अग्रवाल स्वयं एक प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ है। दोनों जना सफलतापूर्वक अपना व्यवसायिक पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्व न निभा रहा है। डॉक्टर जेपी अग्रवाल समाज के लिए एक अनुकरणीय व्यक्तित्व है। आज का अपना अतिथि है वरिष्ठ नशा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेपी अग्रवाल। कार्यक्रम में उन्हा को स्वागत करा। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपको स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे छोटो सो रंगेली गांव से आज जो मुकाम पर पहुंचेड़ा हो, एके बारे में संक्षेप में कुछ बताओ। आपा में रंगेली एक छोटो कस्बा ही थो। बहुत समय पहला यो एक सदर मुकाम के रूप से भी जाने जाता थो। बहुत नामी मंडी थी और बठा आपने एक साधारण व्यापारिक परिवार में आपने रंगेली विराटनगर एक नौने के कारण से रंगेली में
हमारा पिताजी वगैरह सारा रंगेली में रहता था, और बठई में जी की है मेरी पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई जी की है सारी, रंगेली पब्लिक हाई इंग्लिश स्कूल बोलता मैं, नाम भी बिंगो पब्लिक हाई इंग्लिश स्कूल से, बट से मैं SLC पास करी। और घर में दुकान में जी को है पिताजी ने सहयोग करते हुए 10 क्लास तक पास कर गए, बिंगवाद IC कर गए, BSc में अमृत साइंस कैंपस काठमांडू से ही करी, और BSc कर गए बिंगवाद में जी को है कोलंबो प्लान में स्कॉलरशिप में पढ़ने के लिए जयपुर राजस्थान सरकार की तरफ से जी को है पढ़ने के लिए गए, बट ही मैं MBBS MD कर गए, और फिर आगे भी अपने महाराजगंज मेडिकल कैंपस बोला हाँ भी मैं जी को है एक प्राध्यापक के रूप में असिस्टेंट लेक्चरर के रूप में नियुक्ति ले गए, और टीचिंग अस्पताल जी को है भी मैं कार्य सेवा। डॉक्टर साहब थे व्यस्त रहो, एक डॉक्टर की पेशा में हर डॉक्टर व्यस्त ही रहे है, तो ऐ स्थिति धारो सामाजिक या पारिवारिक चीजा ने क्या मैनेज कर पाओ? वास्तव में भी डॉक्टर के बारे में एक या बहुत ही बड़ी समस्या के रूप में जनता ले है। मेरो काम जी को है मैं जी को जितो अस्पताल में जितो मेरा मेडिकल कॉलेज में जितो पठन पाठन को जितो काम करना है बिंग बाद में जी को है मैं घर में ही आ जावा, या मैं मेरी मिसेज भी डॉक्टर ज्योति अग्रवाल भाभी 6:30-7 बजे तक घर आ जावा, मैं भी 5 बजे के बाद ऑफिस छोड़ के 6:30-6 बजे तक घर आ जाऊँ, तो बिंग बाद में घर परिवार के लिए ही टाइम है। आपने कहानी अभी का नया जो पढ़निया बच्चा लोग है जो डॉक्टरी पेशा में जाने से डरे है, वो ये देख कर डरे है या सुने है वे लोग कि डॉक्टर्स की जो लाइफ है अति व्यस्त अति मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ रवे है, तो इनको मतलब थे या कहना चाहोगे या बात को नहीं? शुरू में जब पठन पाठन कराए पढ़ाई कराए ना भी समय थोड़ा सा और आगे दृष्टिकोण से डॉक्टर ने ज्यादा मेहनत करनी पड़े जी, मान लो पहला MBBS करेगो बिंगबाद में MD करेगो MS करेगो, तो बीच समय के बिना थोड़ो सो मेहनत भी ज्यादा करना पड़े, समय भी ज्यादा देना पड़े पठन पाठन में, तो बीच समय पारिवारिक जीवन थोड़ो सो जी को है ना यदि मान लो ब्याह शादी पहले ही हो जाए कर जाए तो फिर थोड़ा सो दिक्कत आ रही बात रहे, बिया यदि मिला के चल रहा है तो सारी चीज एडजस्ट करी जा सके। नशा संबंधी रोगा में थे जो थारा कैरियर में 20-22 वर्ष के कैरियर में क्या का रोग नेपाल में ज्यादा देखने में आया? पैरालिसिस की बीमारी जी की बोला अभी ने, पक्षाघात भी बोला है, लकवो भी बोला है ना, तो बा बीमारी है, और जहाँ सो नशा का रोग का बीमारी आवे तो भी मैं थे सोच लियो 40-50% जी का है यह लकवे का ही केस मिलेगा है ना, बाकी मैं थारा के है कि मेनिंजाइटिस इंसेफ्लाइटिस वह भी आपने नेपाल में ज्यादा बिंगवाद में आपने मिर्गी को दोरो जी को बोला जी का मैं एपिलेप्सी बोला बोयो, और बिंग बाद में थोड़ा सो के उम्र के हिसाब से भी जी हमारे आपने वृद्धावस्था में जी की है पार्किंसनिज्म हाथ कांपने को रोग है ना, चालने में दिक्कत होना रो रोग थोड़ा सो लड़बड़ाने को रोग या जी का आंख से थोड़ा सो कम दिखने को रोग कान से कम सुनने को रोग या कान की नशा आंख की नशा के इन्वॉल्वमेंट के कारण से यह सब चीजें दिखे। अच्छा डॉक्टर साहब थे अभी एपिलेप्सी की बात बताया तो मिर्गी की, तो मिर्गी के लिए साधारणतया आप मारवाड़ी में भी समझ लियो या हर कोई या समझे कि यो रोग एक बार लाग जावे है तो जल्दी से ठीक को नहीं होगा, यह बात है के मिर्गी का रोग में भी गलत धारणा अपने समाज में ही बहुत है बहुत यह सोचा है कि भैया मिर्गी को रोग जी को है पूर्व जन्म की खराबी के कारण से है या कोई दोष के कारण से है जी का आप सोचा लाग लपट के कारण से है, पर इसी बात को नहीं 100 में से 10% ही ऐसा केस होगा या 5 या 10% ऐसा केस होगा मिर्गी का जिसका मैं कह कि लंबे समय तक दवाई लेनी पड़े। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, संविधान सभा को म्याद कहिले सकिदैछ? अप्सन ए 2069 साल जेष्ठ 12 गते, अप्सन बी 2069 साल जेष्ठ 13 गते, अप्सन सी 2069 साल जेष्ठ 14 गते वा अप्सन डी 2069 साल जेष्ठ 15 गते। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 2069 साल जेष्ठ 14 गते। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई इलेक्ट्रोनको आकर्षक उपहार जित्न सफल हुनु भएको छ। 98 4 80 20 4 76 ब्रिटानियाको गिफ्ट ट्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 4 10 30 3 37 98 0 32 19 65 7 98 41 32 81 52 98 41 61 78 34
98 14 160 192। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 4 98 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, 2046 को जनआन्दोलन पछि गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री को हुनु भएको थियो? अप्सन ए मनमोहन अधिकारी, अप्सन बी गिरिजा प्रसाद कोइराला, अप्सन सी कृष्ण प्रसाद भट्टराई, अप्सन डी गणेश मान सिंह। दिएका अप्सनहरू मध्ये ए अन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र तपाईँलाई सही लागेको अप्सन ए बी सी अथवा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र भाग्यशाली विजेता भई पाउनुहोस् इलेक्ट्रोन होम अप्लायन्सेस को आकर्षक उपहार। अब प्रत्येक महिना कलर्स मोबाइल एक थान एक जनालाई, साथै सही उत्तर पठाउने पहिलो 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे यही कार्यक्रममा नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. गोपालको सौन्दर्य सजाउनको लागि पूनम मेहन्दी। ब्रेक के बाद आप लोगों को स्वागत है, आओ अपनी बातचीत में फिर से आगे बढ़ाऊं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जी ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन या दो अलग बीमारी है बोल के एक भ्रम है कि यो सही में भ्रम है कि सत्यता है में कुछ नेबिया या ब्लड प्रेशर आपा का ब्लड प्रेशर बढ़ गयो। ब्लड प्रेशर तो सारांगे हो ही है, ब्लड को प्रेशर तो हो ही है, कम होना ज्यादा होना की बात है। तो जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो है तो आप बोलचाल की भाषा में बोलना कि ब्लड प्रेशर हो गयो है ना। तो ब्लड प्रेशर हाई जिकर हो है, जिका बड़ा है बिना पकवा की बढ़ीडो ब्लड प्रेशर, और जिको बढ़ीडो ब्लड प्रेशर है बिना ही हमारी भाषा में जिको है हाइपरटेंशन बोलना, तो भाई एक ही चीज है। और यह ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम लोगों का आवा हाइपरटेंशन की कलियो चाहे तो इमज यहाँ एक सामान्य सोच है कि एक बार अगर दवाई शुरू कर दी तो यह जीवन भर लेनी पड़ेगी और फिर छूटे को नहीं, तो यह की बात यह सच है कि यह चीज बात बिना देखे जाओ तो इन्हें सच भी कह जा सके, लेकिन अपनी सोच जी की है ना बात थोड़ी सी सच को नहीं जिया लगे, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर प्राय करके उम्र बढ़ते हुए समय होना चीज है, या पारिवारिक भी हो है, परिवार में भी चला है ना। तो जिके का ब्लड प्रेशर होना है या है बिंगो ब्लड प्रेशर जिया जिया उम्र बढ़ेगी बिया बिया ब्लड प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो जब ब्लड प्रेशर हो गयो बिंगी दवाई आप शुरू करी तो बिंगो ब्लड प्रेशर घटना आ रो तो बिना दवाइयां गए बिना आप मान लो जी की आप लाइफ स्टाइल चेंज करा बींग बाहेक आप से आप तो घटना चीज है को नहीं, और जिया उम्र बढ़ेगी बिया ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगो, तो यदि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो दवाई खानी पड़ेगी है ना। तो यह बात को नहीं कि भी आप एक बार दवाई शुरू कर दी तो आदत पड़गी या बिंगी लत लाग गई, बा बात को नहीं, जरूरत पड़े और बा जरूरत जिंदगी भर पड़े, या चक्कर में जी की है या दवाई जी की है आपने लंबी खानी पड़े। तो इसमें यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि भाई यह अपने आदत पड़गी वाली अगर नहीं खाता तो ठीक रह तो बीसी बात नहीं है। तो और जी हाँ, ब्लड प्रेशर हो गयो बोल का साधारणतया किस सिम्टम से बेरोपटा आदमी ने? अभी एक तो कह के एक तो यह ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है। अच्छा, है ना। अभी आप यदि 20 साल से ऊपर का यदि 100 आदमी आने रखांगा ना तो भी मैं 20-25 आदमी आएंगे ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलेगा, और भी मैं कोई कोई का कुछ लक्षण हो भी सके, या मान लो कोई को माथो दुख सके है, कोई ने चक्कर आ सके है ना, लेकिन बहुत सा में कोई भी लक्षण को नहीं हुआ है। और बिंगा लक्षण के बिंगा जटिलता का सागे लक्षण आवे, या मान लो कोई ने लकवो मार गयो फिर देखा तो बिंगो प्रेशर तो बहुत हाई है ना, कोई का देखा किडनी फेल होगी फिर देखा तो बिंगो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। तो बिंगा कहे जटिलता का कारण सही तो या ब्लड प्रेशर ने मैं कहा साइलेंट किलर, बिना पत्तो दे गई जी को है ना जान ले ले। तो इसलिए ब्लड प्रेशर जी की है इंगा लक्षण में जिके को हुआ है मैं कहा अच्छी बात है जिके को है, लेकिन प्राय करके बोतंग है इंगो लक्षण जी को है ब्लड प्रेशर को लक्षण नहीं भी दिख सके। अच्छा, तो इनको मतलब तो फिर ब्लड प्रेशर लक्षण नहीं भी दिख सके लेकिन हो सके है, तो इन्हें इसे बचने का उपाय किए फिर? या कि पहली बात तो ब्लड प्रेशर, पहली बात तो यह कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं है वो पतो करना पड़े, बिंग लिया कि 25 साल 20 साल की उम्र के बाद में
जी को छह महीना से एक साल से आपको ब्लड प्रेशर न पाते रहे, साधारण सी चीज है, कठिन न पाले। यदि नॉर्मल है तो कोई बात को नहीं, यदि बड़ है तो फिर डॉक्टर के सलाह लेके भाई हिसाब से करना। और बिंग बाद में जी की है, बचने का उपाय में जी का है ना, ब्लड प्रेशर का बड़े कारण है। एक तो आप जी का कहा कि बे होने की संभावना जी की है, आपने पारिवारिक भी है, उम्र के हिसाब से भी है, तो बात तो आपकी जगह पर है ही। बिंग बाद भी बोली इसी कंडीशन है जिके से के है कि भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की नौबत आ सके। तो आपने दिनचर्या जी का ने बोला, लाइफ स्टाइल जी की बोला ना, भी मैं थोड़ा सा सुधार करा तो आप इसे के है कि जी को मान लो 30 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर होना रहो, उसके वो 50 साल तक ही नहीं हुए, उसके वो 40 साल तक ही नहीं हुए। तो बिंग लिए सबसे अच्छी सबसे जरूरी बचने का उपाय जी को है कि भी है एक्सरसाइज। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज है जी, यहाँ एक वेरिकोज वेन करके रोग हुआ सुनेडो मेरो, उनके लिए भी लोग यही कहे कि यह नशा से संबंधित रोग है कि यह नशा से ही संबंधित चीज है क्या? वेरिकोज वेन जी की है ना, जी को आपने पांव से खून जी को है ऊपर ले जाने को दूसरे जगह में ले जाना रही नस है, इन्हें वास्तव में नशा को रोग में जी आपने न्यूरोलॉजिस्ट का रोग आ रहा है को नहीं आवाई हो, यो जी को है आपने यह जी के रक्त संचार खून की जी की और दौर करना आ रही जी की है, यो बीमा आवे है, तो यो वास्तव में देखे जावे तो नशा को रोग को नहीं। डॉक्टर साहब ये नशा के रोग से संबंधित में जहाँ एक जनरली कहो जावे कि में से स्ट्रोक आने की चांसेस बहुत रहे है, तो इनका की टाइप का स्ट्रोक की क्या बात हुआ है? या स्ट्रोक जी को लकवो का हुआ ना पा, लकवा का सबसे कॉमन कारण जी को है ना वो है ब्लड प्रेशर ज्यादा होना और डायबिटीज शुगर की बीमारी, जी की चीनी की बीमारी आपा बोला, इनका कॉम्प्लिकेशन का रूप में आपने शरीर को भाग जी को है काम करना छोड़ दे, प्राय करके जी को आपा देखा है ना वो आधो भाग काम करना छोड़ दे, एक तरफ को हाथ मुंह पांव चालना छोड़ दे बिना मैं स्ट्रोक बोला। स्ट्रोक को मतलब है कि भी ब्रेन के अंदर में कोई जगह पर रक्त संचार नहीं हो गए या रक्त संचार की धमनी जी की है बा फूट गए है ना, बटा रक्त खून जम जाए तो बिना मैं स्ट्रोक बोला। तो यो स्ट्रोक जी को है बचो जा सके इसे, यदि आप ब्लड प्रेशर ने कंट्रोल रखा तो बचो जा सके बहुत हद तक है ना। जी हाँ धूम्रपान भी बिंगो बहुत बड़ो कारण है जी, कह सके कि भी रक्त संचार कम हुआ खून की नलिया में रक्त जानो कम हो जाए तो आखिर में जागे बैठा है स्ट्रोक हो सके। और इस स्ट्रोक का लक्षण क्या पतो चला है तो बिंग लिए कि है कि जी मान लो कोई काम करते करते ही हाथ में थोड़ी कमजोरी लगी है ना, लागो की बोली मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है तो यह भी स्ट्रोक का लक्षण हो सके। तो स्ट्रोक एक इश्यू है कि कभी बोली बार यह वार्निंग देवा अपन है पर वार्निंग अपन समझ सका नहीं सका वाली बात है, इसलिए कि एक स्ट्रोक से बचने के लिए वार्निंग के बारे में भी सचेत होना बहुत जरूरी है। जी मान लो थे ताड़ खोलने लग रहे हो घर को है ना, और अचानक लगे कि ताड़ी आज चाबी क्यों कौन लगी, क्यों थोड़ी सी कमजोरी लग रही है, तो वो स्ट्रोक को पहलो चरण हो सके। तो बिंग लिए आप यदि तुरंत जी को है डॉक्टर से सलाह करें, अब फिर डॉक्टर में भी यही है कि वो डॉक्टर भी सोचे कमजोरी ली भाई वाला अब आप यह कह दे है ना, तो बिंग बाद में भी कहे कि दिक्कत हो जाए तो अपन सचेत हो गए कि भी मन कर रही स्ट्रोक की लकवे की शिकायत होने की संभावना तो कोनी मेरे में और कोई कारण तो कोनी जिसके कारण से यह हुआ, तो वह एक चेतना आवे तो भी सब बढ़िया रहे बचने के। नशा के रोग के लिए कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट की स्पेसिफिक कोई दवाई हुआ है कि भाई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो भी मान लो जी स्ट्रोक है, अब स्ट्रोक में आजकल बहुत तरक्की होगी इलाज में भी, पहला लोग कहता कोई इलाज को नहीं लेकिन आजकल 3 घंटे के अंदर अंदर में मान लियो कि भाई खून नहीं पुगने गए है ना, नहीं पुग गए यदि स्ट्रोक हो है 3 घंटे के अंदर अंदर में आ जाए तो आपने तो को नहीं अभी, लेकिन फिर भी दवाइयां अवेलेबल है कि तुम्हारा दवाई दे दो है तो जी की है बिंगो जी को खराब असर हो रहा है अभी से बचो जा सके और कमजोरी ज्यादा नहीं भी आ सके। प्रसंग बदलू हूँ, जहाँ टीचिंग हॉस्पिटल का इमरजेंसी में एक यो अपनो पशुपति मारवाड़ी सेवा संघ की तरफ से थारी अगुवाई में निशुल्क दवाई बांटी जावे है तो यो के प्रभावकारी है क्या चीज? वास्तव में देखे जाओ तो ये बहुत बड़ी सेवा है, मानव सेवा है के हिसाब से कोई निःशुल्क दवाई भी यहाँ जागे को नहीं बांटा है कि भाई लो जी निःशुल्क खाओ वाले टाइम में, जहाँ आप इमरजेंसी में जा
इमरजेंसी में कोई ने भी इमरजेंसी पढ़ सके था नहीं मर पढ़ सके कोई गरीब नहीं पढ़ सके है ना हो सके थे इमरजेंसी जाओ जब थार खानी कोई पीछे ही नहीं हुआ है। अब हमारा अस्पताल वगैरह में क्या है कि भी आपकी तरफ से दवाई देने की सुविधा कोनी हालांकि होनी चाहिए लेकिन कोनी इमरजेंसी में तो भी समय में कोई ने भी दवाई के कारण से कोई ने मृत्यु ना हुआ दवाई के कारण से बिना उपचार में लेट ना हुआ बोल गए एक या व्यवस्था जी की है बिना के तरफ से करेडी है और वह दवाई से बहुत लोग फायदे ले हुए। अभी कुछ महीना पहले की बात है कि एक कुन रशियन की कोई थो बिंग अभी कह के भी पीछा कौन था भी समय में तो यानी मतलब इमरजेंसी दवाई देने के लिए कोई भी आदमी ने बाद में चाहे वो पीछा सोद वरना कर दे अलग बात है लेकिन प्राय करके गरीब ही आवे जिका के बाकी का खानी तो पिसा हुआ भी है सागे भी लोग भी आ जावे कर जावे तो बिना से दवाई हो जावे लेकिन जिका गरीब है जिका खानी कुछ है ही कोनी और बिना यदि 200-400 रुपए की भी एंटीबायोटिक भी लानी पड़े बिंग अभी पिसा कोनी स्लाइन पानी लानो पड़े बिंग अभी पिसा कोनी तो वह तरीके से देखे जावे तो मेरी दृष्टिकोण से बहुत बड़ी सेवा है। डॉक्टर साहब थारा व्यस्त समय से समय निकाल के मारो यो कार्यक्रम अपनो नेपाल अपनो गौरव में आया इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी उत्तरोत्तर सफलता की कामना करते हुए हिमालय टेलीविजन की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। धन्यवाद मने भी बहुत अच्छो लागो आपने मारवाड़ी समाज के प्रोग्राम में आगे और थार से बात करके आपने समाज आ रंगे सब जी की आप ब्लड प्रेशर के बारे में और बोली चीजों के बारे में बात करा मने भी बहुत खुशी लगी और थाने बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक वृंद डॉक्टर साहब की जितनी भी बातें आप सुनी अगर उम्र से थोड़ी बहुत भी अगर आप अपने जीवन में उतारा तो अपने लिए बहुत चीज फायदेजनक हो सके है। आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही अगले शनिवार फिर आप लोगों के सामने नई सामग्री सब लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दियो और इन कार्यक्रम के संबंध में अगर आप लोगों की कोई भी प्रतिक्रिया हो सलाह हो सुझाव हो तो मन थे संपर्क कर सको हो 9849-93804 पर या ईमेल संपर्क भी कर सको हो apnonepal@himalayatv.com पर। धन्यवाद। यो हप्ता को दर्शक प्रश्न 2046 को जनआंदोलन पछि गठित अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री को हुनु भएको थियो अप्सन ए मनमोहन अधिकारी अप्सन बी गिरिजा प्रसाद कोइराला अप्सन सी कृष्ण प्रसाद भट्टराई अप्सन डी गणेश मान सिंह दिएका अप्सनहरु मध्ये ए एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र तपाईलाई सही लागेको अप्सन ए बी सी अथवा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. Kapal ko saundarya sazaunat ko lagi. Poonam Mehndi.